ले लेते हैं, फिर वो 62 में नहीं फंसेगा, वो 63 में फंसेगा कि अब उसने दूसरी नेशनलिटी ले ली, था तो पाकिस्तानी नेशनलिटी, फिर उसने कहा चलो मैं अमेरिकन ले लेता हूँ, जो कि फिर वो उधर फंस जाएगा। तो मेरे ख्याल में इतना इस पे फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन। व्हाट आई वांटेड टू से अर्लियर वाज, उसको आपने एड्रेस नहीं किया। देखें 62(1)(f) में डिक्लेरेशन इज कमिंग फ्रॉम अनदर सोर्स, फ्रॉम अनदर कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन इज रिकॉग्नाइजिंग दैट देयर इज अ डिक्लेरेशन coming from some court. Once the declaration is there, then he's not sagacious and then he's disqualified. So constitution is relying on a declaration coming from some source, some court of law. Now that declaration itself, किसी केस को निकाल लें, नॉमिनेशन पेपर्स में होगी, वो किसी एक्ट के तहत है ना, उसकी मिस डिक्लेरेशन है, वो भी किसी एक्ट के तहत है। So that actual declaration is arising out of some violation of some law. Now that declaration is then borrowed by the constitution and the constitution says the new stand is qualified. Samyullah Baloch says that once that declaration stands, you stand disqualified. Now there could be a law introduced by the parliament saying that declaration of law which is arising out of a violation of a law is been given a period, that's 5 years. So that also sort of comes in to article 62(1)(f) with the declaration that such a declaration which is given under the law, it's not under the constitution, under the law will have a time frame, that's 5 years. So वो 5 years, so therefore one argument is that you don't require the amendment of the constitution because the disqualification is inherently under a law, not under the constitution. Hence, correction of the law or time frame given to a law would be read into that declaration which is being borrowed by the constitution in 62(1)(f). ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि 5 years could be easily brought into 62(1)(f) through that. अगर तो सिर्फ ये कहा गया हो ना कि इस शख्स के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए इस वजह से कि इसने अपनी डिग्री दी, तो ये डिक्लेरेशन है। देखिए ऑल ओवर इन ऑल द डिक्लेरेशंस इट सेज कि आपने मिस डिक्लेयर कर दिया है, आपने एसेट्स छुपा दिए है। दे आर एक्चुअली आइडेंटिफाइंग एन इवेंट and then we are building on that event कि इसकी वजह से, क्योंकि इसने रिटर्न में अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं की इसलिए ये अमीन नहीं है। ठीक, सो डिक्लेरेशन तो सिर्फ इस हद तक है कि आपकी नॉमिनेशन पेपर में ये चीज़ कम है, एफिडेविट में ये चीज़ कम है, आपकी एसेट्स में ये चीज़ें नहीं है, इट्स द इवेंट, द रेस्ट इज ऑल कंस्ट्रक्शन करके हम कह रहे हैं ना। सो डिक्लेरेशन तो सिर्फ इस हद तक है। और डिक्लेरेशन आप देखिए ना, कोई डिक्लेरेशन निकाल लें, वो डिक्लेरेशन किसी लॉ में है ना, वो कह रहा है कि जी आपका नॉमिनेशन पेपर इज नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज फ्रॉम द इलेक्शन एक्ट और द रोपा व्हाटएवर। तो डिक्लेरेशन जो कोर्ट दे रहा है वो लॉ में दे रहा है, तो फिर लॉ खुद कह रहा है कि ऐसी कोई भी डिक्लेरेशन जो लॉ में होगी वो 5 साल की होगी, तो फिर वो क्यों नहीं पढ़ी जा सकती? उसकी वजह ये है, 60 कई जजमेंट ऐसी हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऐसी हैं कि जिसमें ये कहा गया है कि किसी शख्स को 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई किया। पनामा केस की जजमेंट में वादे तौर पर 62(1)(f) मेंशन करके डिस्क्वालीफाई किया गया। सिर्फ ये नहीं, हाँ वो बात बिल्कुल ठीक है, अगर वो वाली डिबेट अलग है, होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था। हमारे पास जो इशू है, इज इट फॉर ड्यूरेशन ऑफ दैट पार्लियामेंट, इज इट अ ड्यूरेशन ऑफ 3 5 इयर्स, इज इट अ लाइफ टाइम, वो बातें हम तो नहीं बैठ के देख रहे हैं अभी, हम तो सिर्फ ये पॉइंट देख रहे हैं। मालूम अब क्योंकि इलेक्शन सर पे है और ये मैटर को रिजॉल्व करना है, तो अब आप दूसरों का खत्म हो गए, तो हमें दूसरों काफी लोग हैं। और 2 मिनट लूंगा, 63(1)(p) में वो कानून आ सकता है जो जनाब फरमा रहे हैं, 63(1)(p) में। लेकिन जहां तक 62(1)(f) का सवाल है, उसको बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 3(1)(p) में आए। क्वेश्चन इज कि जब आप कह रहे हैं दोनों को इंटरचेंजेबली आप पढ़ सकते हैं, तो फिर तो आपका आर्गुमेंट, हमारे पास सिर्फ सवाल ये है कि क्या लॉ में ये चीज आ सकती थी या आइन में अमेंडमेंट हो सकती थी। मैं तो ये समझता हूं आइन में अमेंडमेंट नहीं, वही देखना ना, अगर सपोज 25 साल जो आइन में डिस्क्वालिफिकेशन लिखी है अगर उससे रिलेटेड होता तो फिर तो आइन में अमेंडमेंट आती, या आइन खुद लॉ की डिक्लेरेशन पे रिलाई कर रहा है, तो वो लॉ कहता है मेरी डिक्लेरेशन 5 साल की हुआ करेगी, तो फिर क्यों? सिर्फ अगर तो कोर्ट ने स्पेसिफिकली 62(1)(f) में किसी को डिस्क्वालीफाई किया है, ठीक है, फिर तो वो बात वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए, अदरवाइज जनरली उसको ठीक समझ गए। आखिरी बात एक बात इससे पहले देखे, अगर ये तो सिचुएशन उस वक्त आती है जब नॉमिनेशन पेपर सबमिट करते हैं, सपोज रिटर्निंग ऑफिसर ये कहता है कि आपने फला चीज नहीं जमा की, क्या ये इलेक्शन डिस्प्यूट नहीं है? और अगर इलेक्शन डिस्प्यूट है तो इलेक्शन लॉ तो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट फाइल करेगा उस शख्स के अगेंस्ट, केस चलेगा। तो इसका मतलब क्या ये नहीं हुआ कि रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये पावर्स नहीं है कि डिक्लेयर करे कि समबडी इज डिसक्वालीफाइड फॉर सच अ पीरियड एंड इस पे दिस डिक्लेरेशन ये इलेक्शन डिस्प्यूट बन गया ना। बिल्कुल ठीक बात है। इस पे दो व्यूज हैं योर ऑनर इस वक्त भी ऑनरेबल सुप्रीम डायरेक्टली वो कर सकते हैं क्या? माय लॉर्ड वही मैं अर्ज करता हूं माय लॉर्ड, दो व्यूज हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाहली से मुतालिक केस की बराह रास्त समात और चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि एक बार क्वालिफाई ना करने वाले को अगले इंतखाबात में कैसे रोका जा सकता है। और 3 वकला ने ताहयात नाहली की हिमायत की थी। और खुर्रम रज़ा का अवामी नुमाइंदगी एक्ट का भी हवाला, अदालत ने 62(1)(f) की तशरीह करनी है। खुर्रम रज़ा की जानिब से दलाल देते हुए ये कहा गया, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने 3 अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए थे। गुज़श्ता समात पर रीमा उमर, उज़ैर भंडारी और फैसल सिद्दीकी को मुआवन मुकर्रर किया गया था। रीमा उमर अदालत नहीं आ सकी, उन्होंने अपना तहरीरी जवाब भिजवाया है। और वकील खुर्रम रज़ा की जानिब से कहा गया कि ये अपीलें किस कानून के तहत चल रही हैं, क्या आर्टिकल 187 के तहत अपीलें एक साथ समात के लिए मुकर्रर की गईं, आप अपनी दरख्वास्त तक महदूद रहें। चीफ जस्टिस का खुर्रम रज़ा से मुकालमा। सवाल यह है कि क्या आर्टिकल 62(1)(f) सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार देता है? 62(1)(f) कोर्ट ऑफ लॉ की बात करता है, आर्टिकल 99 हाई कोर्ट और 184(3) सुप्रीम कोर्ट को एक इख्तियार देता है। क्या 62(1)(f) ट्राइब्यूनल को भी ताहयात नाहली का इख्तियार देता है? ये चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया। आइनी अदालत और सिविल कोर्ट में फ़र्क को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया, इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए शराइत दी गई हैं। कागजात नामजदगी में गलत बयानी पर कहा जा सकता है कि आप अमीन नहीं।